बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आदाब हैदराबाद और जय हिंद साथियों। साथियों, मेरा कल का पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि MIM ब्रदर्स या आवेसी ब्रदर्स ने मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो TRS को वोट दें, लेकिन कांग्रेस बहुत सारे सवालों को लेकर MIM से सवाल कर रही है कि जवाब दीजिए कि कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के तमाम मुसलमान ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि KCR को वोट क्यों दें। आज का पहला सवाल ये है कि जहां पर कांग्रेस हुकूमत में 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन उसको बढ़ाकर 12% देने की बात KCR ने अपनी हुकूमत में की थी, और उसी बात को लेकर 4.5 साल गुजर गए, लेकिन KCR ने एक भी ऐसा एकदम या एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है जो उन्होंने वादा किया था। मैं उनके वादों पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर रोशनी डालना चाहूंगी कि क्या इसीलिए आवेसी ब्रदर्स MIM जो TRS का साथ देने की बात कर रहे हैं कि 12% रिजर्वेशन फेल हो चुका है, और ये चीख चीख कर KCR ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन मोदी से मिलकर उन्होंने दिल्ली जाकर कई दफा बात की, लेकिन मोदी सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से कत्ता ही इनकार कर दिया। क्या इसीलिए MIM चाहती है कि TRS को वोट दे? और KCR ने ये चीख चीख कर कहा था कि मैं असेंबली को हिला दूंगा, अगर मोदी मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं जंतर मंतर पे धरना दूंगा और मैं भूख हड़ताल बैठूंगा और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन में ला कर रहूंगा। लेकिन मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये खुले तौर पर कह दिया है कि मुसलमानों को कोई भी लिहाज से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और क्यों यहाँ पर हैदराबाद में MIM पार्टी आवेसी ब्रदर्स ये क्यों मजबूर कर रहे हैं मुसलमानों को TRS को वोट देने के लिए? ये मेरा पहला सवाल था, तवज्जो फरमाइए, क्योंकि ये झूठ की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है, ये शुरू से लेके अभी तक कोई भी मुसलमान का किसी भी अहम मसाइल को ये हल नहीं करे। और दूसरी तरफ बहुत ही खास और अहम मुद्दा है जहां पर मुसलमानों की औकाफ की जायदादों को तहफ़ करने के लिए KCR ने एक ऐसा कानून लागू करने की बात की थी कि जुडिशियल पावर्स ये औकाफ बोर्ड को देंगे, जहां पर मुसलमानों की 6 लाख जायदादें हैं उसका तहफ़ किया जाए, और 1 इंच भी या 1 गज भी KCR की हुकूमत में वापस नहीं लिया है लैंड ग्रावर्स के पास से। क्या इसीलिए MIM चाहती है कि TRS को वोट दे? तो ये ऐसे 2 अहम सवाल थे जहां पर मैं खुले तौर पर मुसलमानों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि KCR और आवेसी ब्रदर्स मिलकर ये कौन सी साजिश कर रहे हैं कि दोबारा अगर KCR यहां पर आ जाती, हुकूमत बन जाती है, तो ये देश के लिए और तेलंगाना के लिए खतरा है। मैं यहां से कह रही हूं तेलंगाना शिराजगंज हैदराबाद, प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।